हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली के आसपास की सड़कों पर किसान और उन्हें घुसने से रोकने की पुरजोर कोशिश करती पुलिस और सेना की टुकड़ियां दिखी। नेशनल हाईवे खोदकर वहां एक खाई बना दी गई। बड़े बड़े डंपरों में बालू मिट्टी भर के उन्हें बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि नए किसान बिल का विरोध करने की खातिर किसान दिल्ली आना चाहते थे और सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। और हर बड़ी घटना की तरह इस बार भी सोशल मीडिया एक्टिव रहा और जाहिर सी बात है इस मामले के इर्द गिर्द भी कई भ्रामक जानकारियां फैली। ऐसी ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन का सच हम आपको यहां बताएंगे। सबसे पहले गलत जानकारी नंबर एक। जैसे ये खबरें आना शुरू हुई कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रदेशों की पुलिस हर कोशिश कर रही है और इस क्रम में वाटर कैनन्स का इस्तेमाल भी कर रही है, ये एक तस्वीर काफी शेयर की जाने लगी। शुरुआती दौर में इसे शेयर करने वाले ज्यादातर लोग कांग्रेस के खेमे में शामिल थे और फिर आम लोगों और सेलिब्रिटीज तक ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। 26 नवंबर को यूथ कांग्रेस और इमरान प्रतापगढ़ी के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें ट्वीट हुई और फिर होते करते दिलजीत दोसांझ तक बात पहुंच गई। असल में ये तस्वीर अक्टूबर 2018 की है, जब किसान क्रांति यात्रा को गांधी जयंती के मौके पर किसान घाट पहुंचना था। इसी मौके की दो और तस्वीरें भी शेयर की जा रही थीं, जो कि अलग अलग एंगल से खींची गई थीं। ये सभी हालिया किसान आंदोलन से जोड़कर शेयर की जा रही हैं, जबकि ये असल में 2 साल पुरानी हैं। गलत जानकारी नंबर दो। देश में लगभग हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बन चुकी कंगना रनौत ने 27 नवंबर को रात 10 बजे के करीब ट्वीट किया कि शाहीन बाग से फेमस हुई दादी किसान प्रदर्शनों में भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोर आपत्तिजनक बातें भी कही, जिसमें इन दादी के 100 रुपयों में अवेलेबल होने की और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के एंगल की बेहद अटपटी बात भी शामिल थी। कंगना ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, मगर डिलीट करने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि उनके सोर्सेज इस खबर को वेरीफाई कर रहे थे। शायद उनके सोर्सेज ने ही उन्हें यह बताया हो कि उनका दावा गलत है, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया हो। अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले से हमें ये सीख मिलती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी पहले मामले की असलियत मालूम कर लें और एकदम पक्का हो जाने के बाद ही उसके बारे में कोई ट्वीट करें। खैर, इन दादी की तस्वीर की सच्चाई भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात यह कि इस तस्वीर में दिख रही वृद्ध महिला शाहीन बाग में चलने वाले NTCA प्रोटेस्ट से फेमस हुई दादी नहीं है। शाहीन बाग में लंबे वक्त तक चले उस प्रदर्शन में यह दादी यानी बिल्किस बानो की खूब चर्चा हुई थी। टाइम मैगजीन ने सितंबर 2020 में इन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। ऑल्ट न्यूज ने बिल्किस के बेटे मंजूर अहमद से बात की। मंजूर ने हमें बताया कि पीला स्कार्फ पहनी महिला जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है वो उनकी मां नहीं है और सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है। इसके अलावा एक बात और, असल में ये तस्वीर अभी चल रहे किसान प्रदर्शनों की है ही नहीं। असल में ये अक्टूबर में संगरूर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारी मेघराज नागरी नाम के किसान के परिवार वालों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। मेघराज की मौत 9 अक्टूबर को बिंद्रा गांव के पास कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी। वायरल हो रहा तीसरा गलत दावा। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक शख्स ने हरी पगड़ी पहनी हुई थी, वो पगड़ी जो कि सिख धर्म की सूचक होती है। इसके साथ ही एक नजीर मोहम्मद नाम के शख्स की फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा था। दावा यह किया जा रहा था कि नजीर मोहम्मद मुस्लिम है और वो पगड़ी पहनकर किसानों के जत्थे में शामिल है। यहां पर असल में यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि किसान तो मूलतः पंजाब से आ रहे हैं और यह मुस्लिम शख्स उनमें शामिल हो गया है, यानी इस प्रदर्शन में सिर्फ किसान नहीं है और यह प्रदर्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका फैक्ट चेक बहुत ही आसान था। नजीर मोहम्मद की प्रोफाइल पर हमने तस्वीर देखी, मालूम पड़ा यह 8 अप्रैल 2020 को अपलोड की गई थी, यानी उस वक्त जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और तो और उस वक्त कृषि बिल आया भी नहीं था, यानी उस वक्त किसानों के इस बिल से जुड़े प्रदर्शन की तो कोई बात उठी नहीं सकती है। इसका मतलब यह है कि यह तस्वीर इस प्रदर्शन से जुड़ी है ही नहीं। चौथा और आखिरी फैक्ट चेक है एक वीडियो से जुड़ा। एक वीडियो शेयर किया जा रहा था जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थन में नारे लगे और पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। प्रीति गांधी ने ट्वीट करके यह भी पूछा कि क्या यह किसान है। आपको यह वीडियो दिखा देते हैं। हाँ, 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 हाँ,
जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद बंदी खुदा, हाय हाय बंदी खुदा, हाय हाय बंदी खुदा, हाय हाय बंदी खुदा। ये वीडियो असल में 2019 का है, इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था और इसी दौरान का ये वीडियो है। वर्ल्ड कप के दौरान कई मौकों पर लोगों ने खालिस्तान बलूचिस्तान वगैरह से जुड़े नारे लगाए या इन मसलों पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। ये ऐसे ही एक मौके का वीडियो है। ANI ने इसके बारे में 6 जुलाई 2019 को एक वीडियो भी पब्लिश किया था। वायरल हो रही क्लिप में जो नारे सुनाई देते हैं वही नारे ANI की इस वीडियो रिपोर्ट में भी सुनने को मिल जाते हैं, आप खुद देखें। Several videos have gone viral on social media where some Sikhs along with Pakistani fans were seen raising Pakistani and Khalistan flags and shouting Khalistan Zindabad and Pakistan Zindabad slogans. तो ये थी वो गलत जानकारियां जो कि किसानों के प्रदर्शनों से जोड़कर फैलाई जा रही हैं। इन सभी की सच्चाई और भी कई फैक्ट चेक्स आप डिटेल में हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी यूजर्स altnews.in/hindi पर जा सकते हैं। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे थे ऑल्ट न्यूज। मिस इन्फॉर्मेशन से जुड़ी खबरें अपने फोन पर पाने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से ऑल्ट न्यूज की एंड्रॉइड ऐप, और वीडियो रिपोर्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्ट न्यूज एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग संस्था है जो कि चलती है आपकी मदद से। मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने के लिए ऑल्ट न्यूज को डोनेट करें www.instamojo.com/altnews पर। यह लिंक आपको नीचे कमेंट्स में भी मिल जाएगा।